मैं रेडी हो गई हूँ डिनर पे जाने के लिए अपनी फ्रेंड के घर। तो बस मैंने सिंपल सा एक टी शर्ट पहना है और बाहर में वेदर विंडी है, तो मिलते हैं मेरे फ्रेंड के घर पे। मैं यहाँ पे निकल गई उसके घर जाने के लिए, तो वेदर बहुत ही ज़्यादा विंडी और क्लाउडी था। तो यहाँ पे मैं उसके अपार्टमेंट में एंटर कर चुकी हूँ और ये बहुत ही बड़ा सोसाइटी था। तो उसके घर में जाते ही मुझे ना बालकनी में ये बर्ड फीडर लगा हुआ था। यहाँ पे बहुत सारी स्पैरोज थी और वो उसका फूड उसमें डला हुआ था। तो उन लोगों ने ना, मतलब ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। हम लोगों ने भी सोचा है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग भी ऐसा कुछ लगाएंगे अपने बालकनी में, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था तो इसीलिए मैंने इसको शूट कर लिया। उसके बाद चाय पीने के बाद उसने बनाया था पीठा, जो कि हम कितने सालों के बाद खा रहे थे, और संकेत को तो ये बहुत पसंद आया। ये खोवा वाला था और आलू को जो मैश करके बनाते ना, फ्राई करके, वो भी था। तो मैं तो ये लेके भी आई उसके घर से। और फिर यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। आस्था का कोई फ्रेंड तो था नहीं वहाँ पे, तो वो बस अकेले अमुक के साथ खेल रही थी। उसके बाद आस्था को दिया गया गार्लिक ब्रेड, तो दोनों बच्चे यहाँ पे गार्लिक ब्रेड खा रहे हैं। और हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा बात करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए थे। यहाँ पे संकेत और मेरी फ्रेंड के हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे और मेरी फ्रेंड बना रही थी पराठा। तो कब डिनर का टाइम आ गया पता ही नहीं चला। और डिनर में उन लोगों ने इतना डिलीशियस फूड बनाया था ना, मतलब उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वर्ड्स में। उसमें था कढ़ाई पनीर, आलू दम, मिर्ची जो सरसों वाली होती है फ्राई करके, मिंट का चटनी, रायता, सैलेड और उसके साथ पराठा एंड राइस, और इतना डिलीशियस फूड था ना। सो थैंक यू माधुरी फॉर द फूड। और बस यहाँ पे हम डिनर कर रहे हैं और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने प्लेटिंग किया था, तो उसका भी मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया। वैसे तो ये शॉर्ट वीडियो के लिए था, पर मैंने सोचा इसको डालती हूँ तो पता चलेगा कि सारे कितने सारे वेराइटीज़ थे। और इसको मैंने ही खाया लास्ट। खाना खाने के बाद हम लोग आ गए किचन में और फिर वो मेरे लिए पैक करने लगी। मुझे मिर्ची चाहिए थी फ्राइड वाली, तो वो मेरे लिए पैक करने लगी। और ऐसा ना, मतलब अपने लोगों से ही मिलके लगता है, तो मुझे ना बहुत अपनापन लगाया क्योंकि ये लोग भी बिहार से थे। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए और उसके बाद हम निकल गए और ये बाय बोल रही है मुझे। वो मैंने आवाज़ ओरिजिनल वाला नहीं डाला, तो यहाँ पे भैया भी थे। सो बस अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। आस्था को भी चॉकलेट्स मिल चुके थे। सो बस अभी हम जा रहे हैं घर और जल्दी जल्दी जा कर के तो बस सो जाना है। और वेदर उस टाइम भी बहुत ज़्यादा विंडी था और इसका घर ना मॉल के बिल्कुल पास में है, बाई वॉक है, तो ये बेनिफिट है इसमें रहने का। तो मैं भी ट्राई करूँगी इसमें आने का क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आया अपार्टमेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।